देख लिया हमने, बाइक पूरा लोड कर दिया है। सुबह में 15 मिनट से आधा घंटा बाइक लोड करने में, रात को 15 मिनट से आधा घंटा बाइक को अनलोड करने में निकल जाता है भैया। गुड मॉर्निंग ब्रो। सो गाइस, टेम्परेचर इज 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टाइम इज 7:44 AM, 28% ह्यूमिडिटी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला एंड वी आर लिविंग फॉर बगोरी विलेज। बगोरी विलेज कौन सा विलेज भाई? बगोरी विलेज। बगोरी विलेज। ओके, सो वी आर लिविंग फॉर बगोरी विलेज। मैप में देख लो, मैप में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सो पहले हम लोग जाएंगे धर्मशाला से पटका, पटका से जोत पास, जोत पास से चंबा एंड देन बगोरी विलेज। 141 किलोमीटर एंड अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स और 1 मिनट का रूट है, यानी कि राइड को लग जाने हैं 7 से 8 घंटे, क्योंकि पहाड़ों में राइड और नज़ारों दोनों का लुफ्त उठाते हुए हम लोग आज आगे बढ़ने वाला है। सो ब्रो, लेट्स प्रोसीड नाउ। पूरन वो अपने स्टील ब्लैक को पुल स्टार्ट कर रहा है। चेन लुक ऑल सेट, ब्लैक पैंथर इज सेट, ऑल गुड, लेट्स गो। सबका सबका चेन ल्यूब हो गया है, एकदम ग्रीसी ग्रीसी हराम का। चेन ल्यूबिंग इज डन, होल स्टार्ट इज डन, फ्यूल अप करवाना बाकी है। पहले फ्यूल अप करवाना है एंड नाश्ता करना है, बहुत भूख लगी है यार। ओके गाइस, सो वी आर एट फ्यूल स्टेशन फॉर रिफ्यूलिंग आवर बाइक्स एंड बगोरी गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सच पास का रास्ता वहीं से आगे जाएगा। बगोरी गांव से आगे सच पास है, सच पास हम लोग दिन में क्लियर करना है, दिन में क्रॉस करना है, तो इसीलिए हम लोग बगोरी विलेज में रुकने वाले हैं। भैया बाहर लिखा हो गया ना, तब यहाँ पे छीटा नहीं गिरा उसका ध्यान रखना थोड़ा। भाई हो गया बस, मैप्स डाल देते हैं धर्मशाला। तू ये मोबाइल होल्डर एंड चार्जर दोनों है, सेफ्टी इज ऑलवेज बेस्ट। वैसे तो ये अच्छा है, चार्जिंग भी फास्ट कर देता है। ऐसा लगता है यार ऐसे रास्तों से जाना, टोटली स्ट्रेंजर जैसी स्ट्रेंजर पीपल, पता नहीं यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए वापस आना होगा भी कि नहीं। पठानकोट 60 किलोमीटर, नूरपुर 37 एंड डलहौसी 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। राइट ले रहा है। शिव भूमि चंबा पधारने पर पर्यटन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे कटरोटी हिमाचल और होटल से निकले थे, तभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, 1.5 आवर का राइड हो गया था, तो वी डिसाइड टू टेक अ होल्ड ओवर हियर एंड व्यू देखो यार आप। इसका एक गाड़ी के निकल गया है, उछल के निकल गया है, क्योंकि थोड़ा इम्बेलेंस है उसका लद्दाख कैरियर। तो अगर आप लद्दाख कैरियर इंस्टॉल करवाने जा रहे हो तो अच्छी तरह से उसको इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है, इम्बेलेंस होगा तो पूरी राइड का मज़ा बिगड़ेगा आपका। तो अच्छी तरह से लद्दाख कैरियर लगाओ। ये पेड़ बड़े ही प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये पेड़। Look at the view of the valley, man. The straight roads and ये example है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखो भैया। वैली के व्यूज तो बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन आपको आगे भी ध्यान देना है रोड पे, ठीक है भैया, चलाइए।
कुदरत की कारीगरी है भाई, कुदरत की कारीगरी है। ड्रोन शॉट अच्छा लगा क्या तो कमेंट में बताओ यार। अलग अलग टाइप के ट्रीज, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स, फार्मिंग लैंड, बहुत अच्छा लैंडस्केप बन रहा है। सबको नहीं देखने मिलता यार ये, सबको तो नहीं देखने मिलता। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ माई लेह स्पीति राइड। ओ मैन, ड्रोन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे तो। ओहो घोड़े, स्टेलियन, खच्चर है वे खच्चर। घोड़ा तो यहाँ पे एक ही है भाई, ब्लैक स्टेलियन। मानना पड़ेगा पावर को भाई, 500cc का पावर ऑसम है। अगर आप माइलेज और मेंटेनेंस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो तो 500cc इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि टूरिंग, ऑफ रोडिंग और एडवेंचर के लिए 500cc बेस्ट है, दी बेस्ट। वो बादल है या फिर कुछ जल रहा है, उसका धुआं है। बादल है क्या भैया? जोत 7 किलोमीटर। एटमोसफियर काफ़ी प्लेजेंट है गाइस यहाँ पे, बादलों से भी ऊपर चल रहे हैं हम लोग अभी। जोत 0 किलोमीटर ऊंचाई है, हाइट है 2406 मीटर। मंडल चंबा, उपमंडल चंबा, टू सीमा आरंभ। ऐसा कुछ व्यू है जोत पास का। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were lined. Those are clouds, guys. इलेक्ट्रिसिटी की हाई टेंशन लाइन भी जा रही है। आई डोंट नो वेदर यू कैन लिसन और नॉट, बट आई कैन हियर इट क्लियरली। लद्दाख क्यों आया हूँ मैं? इसीलिए ऐसे व्यूज देखने के लिए ही मैंने पूरा रूट इस बार जो प्लान किया है ना, हिमाचल का दूसरा या तीसरा एपिसोड हो गया है, तो आगे आगे देखते जाओ भैया होता है क्या, आगे आगे बस देखते जाओ आप। अभी ये नंबर की गाड़ी है और इन लोगों ने मुझे टक्कर मारी है। ये लोग पूरा इस तरफ से चला रहे थे, ये ड्राइवर था और इसने पूरा इस तरफ से चला के मुझे टक्कर मारा है। वीडियो भी है मेरे पास और अभी हम लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, देखते आगे क्या होता है।